कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश DCEU को MCU की तरह डिज्नी बाय कर ले तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि अभी जिनके अंडर DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स बिलोंग करती है वो तो DCEU की वाट लगा रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे जिससे कि इस इम्पोर्टेंट अपडेट का कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो। सो हे गाइस, दिस इज सरफराज और आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स, और आज हम बात करने वाले हैं DCEU की अपकमिंग मूवी के डिलेड रिलीज डेट के बारे में, जिसे वार्नर ब्रोज ने रिसेंटली ऑफिशियली अनाउंस किया है, और ऐसा क्यों किया है इस बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, सेकंड और मिली सेकंड, चलिए शुरू करते हैं दुनिया को बचाने का सिलसिला। देखो यारो, आप लोगों को बता दूं कि अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले वार्नर ब्रोज ने कुछ बड़े DCEU मूवीज जैसे ब्लैक एडम, द फ्लैश, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम जैसे मूवी के रिलीज डेट को ऑफिशियली डिले कर दिया है। और इन सब के अलावा DCEU की एनिमेटेड मूवी DC लीग ऑफ सुपर पेट्स मूवी की भी रिलीज डेट को आगे बढ़ाया है। और इनके अलावा सैजाम मूवी की सीक्वल सैजाम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स मूवी के रिलीज डेट को पीछे कर दिया है, जिसके बारे में रिसेंटली हमें ना तो कोई टीजर और ना ही कोई अपडेट मिल रही थी, उस मूवी के स्टेट को पीछे कर दिया गया है। देखो यारो, वार्नर ब्रोज ये सब कौन सा सस्ता नशा करके करते हैं मुझे ये तो नहीं समझ में आ रही है, बट इस न्यूज से मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी मूवीज के रिलीज डेट को डिले किया गया है, ज्यादातर मूवीज का ट्रेलर, टीजर या टीवी स्पॉट लगातार वार्नर ब्रोज की तरफ से हमें दिखाया जा रहा था, जिससे हम फैंस एक आस लगा के बैठे थे कि ये मूवी हमें इस साल देखने को मिलेगी, बट वार्नर ब्रोज ने हमारे सारे अरमानों का गला घोंट दिया। खैर, इनके अलावा सैजाम द फ्यूरी ऑफ मूवी जिसकी कोई चर्चा भी नहीं हो रही थी, जिसका ना कोई टीजर आया था ना कोई प्रमोशन हुआ था, उस मूवी के रिलीज डेट को पीछे कर दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से मूवी को किस रिलीजिंग डेट पे शिफ्ट किया गया है। सबसे पहले ब्लैक एडम मूवी के बारे में बात करें तो जिसमें ड्वेन जॉनसन ब्लैक एडम के रोल में दिखने वाले हैं, इसे इसी साल समर में जुलाई 2022 को रिलीज करने का प्लान था, जिसे दो महीना आगे बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2022 का रिलीज डेट दिया गया है, जो कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि इसके टीवी स्पॉट और इसके इतने प्रमोशन को देखने के बाद मूवी को इतना डिले करना मुझे कोई अच्छा डिसीजन नहीं लगा, दिस इज वेरी बैड डिसीजन। अगली मूवी है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, जो कि एक्वामैन मूवी की सीक्वल है, जिसमें हमें जेसन मोमोआ एक्वामैन के रोल में दिखेंगे, जिसे दिसंबर 2022 में रिलीज करने का प्लान था, जिसे आगे बढ़ाकर 17 मार्च 2023 का रिलीजिंग डेट दिया गया है। और अगली जो मूवी है द फ्लैश, सबसे बुरा मुझे इसी मूवी के बारे में लगा, जो कि एक बड़ी मूवी है DCEU की, जिसे 2022 नवंबर में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसके रिलीज डेट को आगे बढ़ाकर जून 2023 में शिफ्ट कर दिया गया है। ये न्यूज सुनते ही पता नहीं मेरे दिमाग में यही आया कि वार्नर ब्रोस DCEU को डुबा के ही छोड़ेंगे, DCEU का फ्यूचर कुछ ब्राइट नहीं लग रहा है मुझे। और मैंने इस रिलीजिंग डेट की शिफ्टिंग की वजह भी खोजनी चाहिए, मैंने रिसर्च भी किया, मुझे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिला वार्नर ब्रोस के तरफ से, और ये भी नहीं पता चला कि वार्नर ब्रोस ने ये रायता क्यों फैलाया है। मेरे हिसाब से ये करने के दो वजह हो सकती है, एक तो द फ्लैश मूवी जो DCEU को रीसेट कर रही है, तो हो सकता है कि स्टोरी लाइन को मैच करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो, अगर ऐसा होगा तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा DCEU की तरफ से और वार्नर ब्रोस की तरफ से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा रीजन ये हो सकता है मूवीज के रीशूट कराने के लिए ऐसा किया गया हो। तो ये थे DCEU के कुछ मूवीज के डिलेड रिलीज डेट के बारे में कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर मुझसे कुछ मिस हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। DCEU से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हैं जिसे आप देखना चाहते हैं, तो उन वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर दें। सो यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।